हेलो एंड वेलकम टू कॉन स्टडी. दिस इज शेख अर्शी. आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स. क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों में होने वाला है. सो अब मैं हर किसी टॉपिक पे हर किसी सब्जेक्ट पे मे भी डिफरेंट टीचर्स भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे हर किसी टॉपिक पे ऐसे ही क्वेश्चंस अपलोड करते रहेंगे जो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आज आप ये वीडियो एंड तक देखिए, क्वेश्चंस का आंसर कीजिए एंड लास्ट पे अपने जो स्कोर्स है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सिनोनियम लिखना है. सिनोनियम मींस वर्ड मीनिंग. ओके, आपको इस वर्ड का जो बोल्ड में लिखा हुआ है इसका आपको मीनिंग देखना है. ओके, द सेंटेंस इज ऑल्दो द सिचुएशन इज़ बैड देयर इज़ नो कॉज फॉर कंसर्न. आपको देखना है कंसर्न का सिनोनियम क्या आएगा. कॉशन, डिज़ायर, एंग्जायटी और अटेंशन. ओके, आपने आंसर दिया हुआ होगा तो अब मैं बताती हूँ. इसका आंसर है एंग्जायटी. ओके, सो कंसर्न मीन्स एंग्जायटी. चलिए आगे चलते हैं. ड्यूरिंग द रेड पुलिस सीज्ड सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. आपको सीज्ड का इसमें सिनोनियम बोलना है. इज इट फाउंड, कैप्चर्ड, सर्च्ड और इन्वेस्टिगेटेड. सो द राइट आंसर इज कैप्चर्ड. ओके, आगे बढ़ते हैं. आई टोल्ड हिम टू बाई थिंग्स दैट आर लास्टिंग. आपको लास्टिंग का सिनोनियम बोलना है. एंडलिंग, कॉस्टली, चीप और ड्यूरेबल. सो आपने आंसर किया होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ड्यूरेबल. लास्टिंग मीन्स ड्यूरेबल. आगे बढ़ते हैं. सुरजीत रैन द मैराथन रेस इन लेस देन 2 आवर्स. आपको इसमें रैन का सिनोनियम बोलना है. इज इट कम्प्लीटेड, रश्ड, स्कोर्ड और सक्सीडेड. ओके, जब आपको ऐसे सेंटेंस दिया हुआ होगा तो सेंटेंस के साथ आप ऐसा कीजिएगा. एग्ज़ाम में अगर आपको सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ होगा तो उस वर्ड को अपने आंसर से रिप्लेस करके फिर से सेंटेंस पढ़िएगा और देखिएगा कहीं मीनिंग चेंज तो नहीं हो रहा है. अगर चेंज हो रहा है तो आपका आंसर गलत है, अगर नहीं हो रहा है देन आपका आंसर ठीक है. सो इसका आंसर है कम्प्लीटेड. ओके, सुरजीत कम्प्लीटेड हम बोल सकते हैं. सो आगे चलते हैं. ही अर्न्स इनफ टू सेटिस्फाई हिज वांट्स. आपको इसमें वांट्स को रिप्लेस करना है विद द एग्जैक्ट सेम वर्ड. ओके, द आंसर इज नीड्स. ओके, अब सीधे आपको वर्ड्स है और आपको फिर से अभी सिनोनियम ही लिखना है. इन जेनिस का आपको लिखना है सिनोनियम क्या है. सो द आंसर इज फ्रैंक. ओके, इंजेनस मीन्स फ्रैंक. सो आगे चलते हैं. आपको कैंडिड का लिखना है. कैंडिड का मीनिंग क्या होता है. ओके, द आंसर इज प्लेन स्पोकन. कैंडिड होता है जो मतलब बहुत ही ईजिली अपनी बात कह देता है, जो बहुत प्लेन स्पोकन होता है. ओके, जेन्युइन. जेन्युइन का आपको लिखना है. सो आपने आंसर किया होगा. जेन्युइन मीन्स दैट इज़ ऑथेंटिक. ओके, आगे चलते हैं. आपको ऑब्सीन का लिखना है सिनोनियम. सो ऑब्सीन इज इट इंडिसेंट, इनकरेजिबल, रेडिक्यूलस और इनटॉलरेबल. ओके, आपने आंसर दिया होगा. सो द करेक्ट आंसर इज इंडिसेंट. दैट्स नॉट डिसेंट. फाइन, आगे चलते हैं. आपको स्टेबल का सिनोनियम लिखना है. स्टेबल मीन्स आपको देखना है इट इज़ लास्टिंग. Is it lasting, steady, unchanging or none of the above? So the correct answer is unchanging. Stable means जो change ना हो, जो stable हो. Fine. So अब आई है बारी antonyms की. Antonyms means opposite word. आपको इस word का opposite लिखना है. So the first word is podgy और podgy. Is it slim, weak, thin और short? तो पॉडगी जो होता है दैट इज़ उसका मतलब होता है जो स्लाइटली फैट होगा. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज थिन. देन इट इज़ प्रोटीन. आपको बोलना है इसका अपोजिट क्या आएगा. अमेच्योर, कैथोलिक, अनचेंजिंग और रैपिड. सो प्रोटीन मीन्स दैट इज़ स्लाइटली चेंजिंग. ओके, प्रोटीन का मतलब होता है जो आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है. सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ अनचेंजिंग. ओके, आगे चलते हैं. डिक्लाइंड. डिक्लाइंड का आपको अपोजिट लिखना है. इट इज़ रिफ्यूज्ड, स्पर्न्ड, रिजेक्टेड और रिफ्यूटेड. ओके, डिक्लाइन होता है जो डिक्रीज हो रहा हो. सो द करेक्ट आंसर इज रिफ्यूटेड. ओके, तो आगे चलते हैं। इनोसेंट, इनोसेंट का अपोजिट आपको लिखना है। इनोसेंट तो आई गेस ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा। इज इट ब्लेम्ड, लायबल, गिल्टी और रिस्पॉन्सिबल। इनोसेंट मीन्स one who has not committed any crime, one who is not guilty. Okay, so the correct answer is guilty, innocent. Okay, आगे चलते हैं। Gentle, gentle का आपको opposite लिखना है। Is it insensitive, cruel, mean और harsh? Okay, gentle का opposite आएगा harsh, right? तो आगे चलते हैं। होस्ट, आपको होस्ट का अपोजिट लिखना है। इज इट ट्रैवलर, टूरिस्ट, गेस्ट और विजिटर। ये तो ये भी बहुत इजी है, हम अक्सर ही सुनते आए। होस्ट एंड व्हाट विल बी द अपोजिट, द अपोजिट विल बी गेस्ट, होस्ट एंड गेस्ट। ओके, अगली, अगली भी हैंडसम, स्ट्राइकिंग, अट्रैक्टिव, नन ऑफ द अबो। ओके, द करेक्ट आंसर इज हैंडसम। अगली इज़ वन हु इज़ नॉट, मतलब जो अच्छा नहीं होता दिखने में, तो हैंडसम मीन्स जो इंसान को अट्रैक्ट करता है। अगली होता है जिससे इंसान अट्रैक्ट नहीं होता, जो अच्छा नहीं होता, तो हैंडसम मीन्स जो अच्छा होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, आपको हेस्ट का अपोजिट बोलना है। इज़ इट सेटबैक, डिले, हिंड्रेंस और इम्पेडिमेंट। सो हेस्ट होता है जल्दी जल्दी, राइट? तो इसका अपोजिट क्या आएगा? आहिस्ता, डिले, राइट, देर करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, आपको प्राइवेट का एंटोनियम लिखना है। पब्लिक, सोशल, सीक्रेट और जनरल। द करेक्ट आंसर इज पब्लिक। ओके, प्राइवेट एंड पब्लिक। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आपको एरर का एंटोनियम लिखना है। इज इट रॉन्ग, करेक्ट, प्रॉपर और ओवरसाइट, यानी एरर का अपोजिट आपको लिखना है। सो एरर का अपोजिट आएगा करेक्ट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आपके भी सभी आंसर ठीक हुए होंगे। सो अब आपने जितने भी आंसर ठीक दिए हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा, एंड वन बाय वन मैं सभी टॉपिक्स कवर करती जाऊंगी। बस यू गाइज बी पेशेंट, मैं एक एक करके सब टॉपिक्स पर MCQs लेकर आऊँगी। सो थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। सो बाय।